जय श्री राम मेरे सब भाइयों को। तो कहते हैं आप सब लोग, भाई आज लुक थोड़ा चेंज लग रहा है। मैंने शेविंग वेविंग कराई, मैंने कहा मैं भी यार अजीब सा बुढ़ा सा लग रहा था, मैंने कहा मैं भी थोड़ा अच्छा बन जाऊँ। सब अंकल अंकल कहते थे। चलो छोड़े तो अपने फैशन की बातें हैं, फिलहाल आज आपको कुछ ऐसी आइटम दिखाऊंगा जो दिवाली पे आपके मतलब स्कूल में बच्चों के लिए मंगाई जाएंगी, जो हर पेरेंट्स लेके जाएंगे। और स्कूलों में लगभग कुछ अलग से आइटम है, कुछ ना कुछ मंगाते रहेंगे दिवाली तक। अभी दिवाली को टाइम है तो मेरे को आज थोड़ा टाइम लगा है, तो मैंने सोचा थोड़ा वीडियो बना लूँ भाइयों के लिए, क्योंकि एक भाई ने कमेंट भी किया था कि भैया दिवाली से पहले एक वीडियो जरूर डाल देना, और ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी, बहुत स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए। तो भाई मेरे वीडियो में बने रहे एंड तक, आपको कुछ स्पेशल आइटम दिखाऊंगा जो इस टाइम दिवाली पे बहुत ज़्यादा चलेगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों देखो, दुकान का सामान मेरे लगभग बिखरा पड़ा रहता है, और अब तक मैंने दिवाली का सामान भी अंदर पड़ा है, कल मैं उस सामान को बाहर लगा दूंगा। थोड़ा थोड़ा मैंने बीच में टांग रखा है कि बिकता रहे। आज मैं आपको सबसे पहले दिखाऊंगा आर्ट एंड क्राफ्ट की कुछ अलग आइटम। स्टोन वगैरह तो आपने देखे हैं, कुछ अलग आइटम आपको दिखाऊंगा जो इस टाइम स्कूलों में बहुत ज़्यादा चलेगी। वो है ये कैनवास बोर्ड, ये वाले। इसमें बड़े साइज भी आते हैं लेकिन स्कूलों में क्या मीडियम साइज चलता है। ये वाला देखिए, ये छोटा साइज, इसकी MRP है 50 रुपये। ये वाले हो गए साइज। फिर इससे थोड़ा सा बड़ा साइज ले लो, ये मेरे पे एक ही पीस रह गया है जिसकी MRP है 65 रुपीज़। ये देखिए कैनवास बोर्ड। फिर इससे अगला आता है, ये और अलग साइज में कैनवास बोर्ड है, इसकी MRP है 100 रुपीज़। ये तीन चार तरीके के मीडियम साइज के कैनवास बोर्ड है जो इस टाइम स्कूलों में चलेंगे। इसमें क्या है, स्कूलों में बनवाते हैं इसके कुछ डिजाइन वाले, ये नहीं पता आर्ट एंड क्राफ्ट में कुछ बनवाते हैं कि इसमें जो सामान लगता है वो भी आपको दिखाता हूँ। लेकिन आप कैनवास बोर्ड जल्दी से जल्दी ले आएं, क्योंकि हर शॉप पे नहीं मिलता। इस इलाके के अंदर, पूरे इलाके के अंदर जहाँ मैं हूँ, सिर्फ मेरे पास मिलेगा, और मैं कम से कम इसे 4-5 दिन से लगातार भेज रहा हूँ। यह कि वीडियो बनाने का टाइम अब मिला तो मैंने कहा भैया पहले वीडियो बना दो। तो आपको ये चीज़ 12 महीने चलते हैं कैनवास बोर्ड ना, और हर दुकान पे नहीं मिलती। इससे क्या, अगर आपकी दुकान पे है ना तो और सामान भी बिकेगा। अब जो कैनवास बिकता है ना, अब फिलहाल क्या चल रहा है कैनवास के साथ, सबसे ज्यादा चल रहा है मिरर। अब देखो मैंने मिरर पूरे भर रखे हर डिजाइन के, और लगभग लगभग पत्ते खत्म हो चुके मिरर के। इस टाइम कैनवास को डिजाइन बनाने के लिए कुछ स्कूलों में चल रहा है, देखो सब पत्ते खत्म हो चुके, एक रह गया, इसमें 3-4 रह गए, ये 5-5 रुपये सेल गए हैं। ये देखिए इसमें 2 रह गए, ये सब, ये सिर्फ 2 दिन में खत्म हो गए सारे सारे पत्ते। मतलब कैनवास के साथ मिरर बहुत चलेंगे, मिरर आपको हर डिजाइन के ला के रखने पड़ेंगे, ये सबसे जरूरी चीजें हैं। और मिरर के साथ चलेंगे स्टोन। अच्छा स्टोन में बता दूँ, जैसे ये 10 रुपये वाले स्टोन है ना, 10 वाले, इसमें बीच बीच में मैंने 5 रुपये सेल वाले भी ला के रखे हैं, वो ज़्यादा चलते हैं। ये देखो 5 रुपये, इसमें मैं 10 वाला बेच देता हूँ कोई कोई, ये 5, ये 10 रुपये बेचता हूँ मैं, ये हो गया 5 रुपये हो गया, ये भी 5 रुपये होगा। तो ये स्टोन, ये वाले भी चलते हैं, मिरर चलेंगे, स्टोन चलेंगे, ये चीज़ बहुत चलेगी इस टाइम दिवाली के सीजन में ना, बहुत ज़्यादा, ये ज़्यादा ही चलती है। अच्छा स्टोन के साथ फिर और चीज़ें भी चलती हैं, जैसे आपको दिखा दूँ मैं इसमें, जैसे ये वाले मोती हो गए, ये बटन हो गए, ये हो गए सितारे से, और आपके फूल हो गए फाइलों पे लगाने वाले। अब ये हो जैसे मोती की माला बनानी है, तो ये वायर आती है, ऐसी भी आती है, इसका पत्ता भी आता है ये वायर। ये पूरा 60 रुपये का पैक आया था मेरा वायर का, हर चीज़ का रेट नहीं बताऊंगा आपको क्योंकि दिक्कत हो जाएगी दुकानदारी में। ये वायर क्या मोती की वाला माला बनने के लिए पता नहीं चीज़ों में काम आती है, ये रिबन काम आते हैं। तो इसमें मोटी पतली जैसी मर्जी माला बना लो। ये देखो इसमें इस पत्ते के अंदर हर तरह के साइज का आपको मोती मिलेगा, ठीक है। फिर आता है कलरफुल मोती, आपको पिछली बार ये मैंने दिखाए थे आर्ट एंड क्राफ्ट में, ये देखो कलरफुल मोती, ये भी माला बनाने पे, ये आर्ट एंड क्राफ्ट के कोई भी नई दिए वगैरह मोमबत्ती उसमें लगता है सब में। ये देखो, ये देखो, ये सब चीज़ें इस टाइम दिवाली के टाइम पे यूज़ होती हैं, ये जो मेन चीज़ें हैं रंग बिरंगी थी चमकदार, सब दिवाली पे यूज़ होगी। तांबड़ा पेपर आपको दिखाया था, ठीक है। अगली चीज़ है ऐसे ऐसे हो गई है ग्लिटर, ये बहुत चलते हैं, कि शीशे भी आते हैं छोटी छोटी, आपको दिखा दूँ ऐसे ऐसे, ये बहुत चलेंगी। कैनवास बोर्ड के ऊपर भी थे फेविकोल को लगा के चिपकाते हैं, और वैसे ही बहुत चलती है, मतलब फाइलें बनाने के लिए वैसे। फिर आपको ये आती है डोम्स की ग्लिटर, ये देखिए ये पूरा पैकेट बिकता है 35 रुपये सेल का। इसमें क्या है, ये ग्लिटर निकलेगी साथ में चिपकती रहेगी, इस तरह की ग्लिटर होती है, ठीक है। ऐसी ऐसी चीज़ें बहुत ज़रूरी है इस टाइम दुकान के लिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। तो ये तो आर्ट एंड क्राफ्ट की आपको मेन मेन चीज़ें दिखाती है, ग्लिटर शीट वगैरह भी आपको बताते हैं दिवाली पे बहुत ज़्यादा चलती है, A4 हो गए, ग्लिटर हो गए, बहुत ज़्यादा चलेंगे, ठीक है। अब ये तो हो गया आर्ट एंड क्राफ्ट की, बाकी आपको मैंने पहले दिखा रखी है। फिर आते हैं हम रंगोली में, देखिए अब कई लोग होते हैं वो कहते हैं रंगोली हमारी कम यूज़ हो, कम यूज़ हो कहते जैसे स्कूल में बच्चे के लिए मंगाते हैं कि भैया रंगोली स्कूल में मंगाई है, वो ऐसे बड़ा पैक नहीं लेके जाते, वो ये लेके जाते हैं, ये
ये सबसे सस्ता है 40 रुपये बिक्री का मेरे यहाँ। मैं ये नहीं बताऊँगा कितने का है, ये बता रहा हूँ 40 रुपये बिक्री का। ये बहुत ज़्यादा बिकेगा स्कूलों में। फिर इसके ऊपर आता है ये वाला, ये 60 रुपये बिक्री का है। ये हो गए पन्नी में, ये हो गए ट्यूब में। क्वालिटी का भी फ़र्क होता है दोनों में। इसमें कलर ज़्यादा है, इसमें कलर क्वांटिटी कम है, लेकिन ये ट्यूब में है। कोई कोई ये लेके जाता है, ठीक है। ये 40-30-60। फिर आता है इससे अगला, ये 80 रुपये में। इसमें छोटे छोटे पैकेट है, सब कलर के मिक्स है, ये पूरा पैक आता है। ये 80 रुपये सेल मैंने रखा, 70 में बेच देता हूँ मैं, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं अलग एक और आपको दिखा दूँ, ये पड़ा ये वाले के लीटर। इसमें सारे ही कलर आपको मिलेंगे। ये देखिए ये वाला, ये मैं 100 में बेच देता हूँ, 120 में बेच देता हूँ, ठीक है। फिर आता है ये वाला टोपी वाला। तो ये रंगोली कलर आपको हर तरीके से रखने पड़ेंगे। जैसे बच्चे घर में बनाएंगे, वो कोई सिंगल भी ले लेगा, कोई मिक्स भी। मैं सिंगल नहीं बेचता इसका, मैं पूरा पैकेट बेचता हूँ, कोई सा भी ले लो, वरना बेकार हो जाता है। सिंगल पड़ा हो, चाहिए हो चाहिए हो, कोई सा भी हो, तो सिंगल कोई नहीं बेचता। या कि छोटे बच्चों के लिए कोई ये लेगा, कोई ये लेगा, थोड़े बड़े बच्चे को ये ले लेंगे, मिक्स पैसे मिला के कोई ये ले जाएंगे, मतलब बच्चे पैसे मिला के ज़्यादा रंगोली चाहिए होती है, तो ये थोड़ा महंगा ले लेते हैं। तो इस तरह आपकी रंगोली की वैरायटी है, ये आपको रखनी पड़ेगी। किसी के पास कुप्पी अलग से होती है, बिना कुप्पी वाला, उन्हें वो कहते हैं भैया थोड़ा सस्ता चाहिए तो ये दे दो, कुप्पियाँ अलग से आती हैं, कुप्पी ले आओ, कहते हैं ना कुप्पी से कहते हैं ये रंगोली वाली है, ठीक है। ये तो होगी रंगोली के कलर, ये है रंगोली के कलर। फिर आपको कैनवास बोर्ड दिखाए मैंने, फिर आपको आर्ट एंड क्राफ्ट के थोड़ी बहुत आइटम दिखा दी मेन मेन। अब अगली आइटम आती है, स्कूलों में मंगाते हैं दिए, वो दिए आते हैं ना मोटे मोटे, मेरे पास फिलहाल ख़त्म है। मिट्टी के दिए आते हैं मोटे, वो सजाने के लिए, वो ला के रखें। और एक आती है मोमबत्ती, ये 20 रुपये बिक्री की, 2 पीस होते हैं, ये पूरा पैकेट बिकता है। इसको मंगाते हैं स्कूल में सजाने के लिए। इसके साथ क्या है, जब आप मोमबत्ती बेचोगे, इसके साथ स्टोन लेके जाएंगे, शीशे लेके जाएंगे, इस पर लगाने के लिए स्कूलों में मंगाते हैं। तो ये मोमबत्ती भी ला के रखें बड़े वाली, ये ठीक है। फिर क्या है, अगली आइटम आती है ये रंगोली बनाने का सामान है, ये 15 रुपये सेल का है, 14-15 रुपये ऐसे बेच देता हूँ मैं, ठीक है। इतने बड़ी शीशी भी आती है, वो आपकी 20-25 रुपये सेल होते हैं, कोई 22-20 सेल करता है, कोई 25, कोई 23, कोई 20, ठीक है। ऐसे होती है, मैं नीचे छन्नी बनी होती है और ऊपर ऐसे ढक्कन लगे होते हैं, फिर रंगोली किस तरह बनाते हैं मुझे ये नहीं पता, ठीक है। फिर अगले आइटम है ये रंगोली की, ये पिचकारी टाइप की, ये 20 रुपये सेल की है। इसमें बड़ा साइज भी आता है, ये छोटा साइज है, ठीक है। इसमें रंगोली डाल के बनाने गया, ऊपर कुछ हैंडल सा लगा हुआ है, ये स्प्रिंग वाला, ये देखिए दबाने का कुछ इस तरह का, बनाने का मुझे नहीं पता, बनाने के बच्चे खुद देख लेते हैं, ठीक है। फिर अगले आइटम आते हैं ये प्लेट। अब ये प्लेट क्या है, मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ। अब ये प्लेट कुछ दिखने में इस तरह की है। अब इसमें डिजाइन है, जैसे ये किसी ने ऐसे रखा और रंगोली बना ली, डिजाइन पाउडर डाल डाल के, उसे ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। स्कूलों पर भी मंगवाएंगे तो ये चलती हैं, देखिए डिजाइन आएंगे। ये मैं 35 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये सेल कर देता हूँ, देखिए सब अलग अलग है, सब अलग अलग है। ये देखिए किसी में कलर अलग है, किसी में डिज़ाइन अलग है, ये पूरा पैकेट आपको मार्केट में मिलेगा। तो ये बहुत मेन चीज़ है, और अभी तो और चीज़ भी आती है, आपको दिखा दूँ। ये चीज़ें ला के रखो, मेरा कहने का मतलब है, अभी तो मेरा सामान अंदर पड़ा है, मैं बड़ा इधर उधर लगा रखा है। एक मिनट, ये दिए, ये भी कई बच्चे ले आते हैं, थोड़े थोड़े ला के रखे इन दियो को, ठीक है। फिर आती हैं ऐसे ऐसी छनियाँ, ये रंगोली बनाने के लिए। इसमें बड़े साइज आते हैं, उसमें डिज़ाइन बहुत सारे होते हैं, सामान अंदर फंसा पड़ा है सारा, देखो क्या हाल हो रहा है, अंदर कहीं ना कहीं सामान मुझे निकालना पड़ेगा। ये मिली छनियाँ, ये देखिए जैसे ही हैं, ये बड़ी छन्नी आ गई, ये छोटी है, इससे इतनी बड़ी भी आती है, कि ज़्यादा बड़ी ना लाओ, इतनी लाओ, इससे थोड़ी बड़ी लिया और ये छोटी लिया, ये इस तरह बिकती हैं। देखिए ये होगी, ये फूल में होगी, ये माता जी के जब माँ के पंजे होते हैं ना, पैर के निशान, ये वो हो गई, इसमें अलग अलग डिजाइन हो गया ये। और ये ज़्यादा ना लाना फिर बेकार हो जाती है, बड़ी बड़ी देखो मेरी थोड़ी दिक्कत करी अब तो, एक लिमिटेड हिसाब से लाना, मतलब कहने वाला शुरू में 10-10 पीस लाओ, बिक जाए तो और लियाओ। रंगोली फ्री बिक जाती है, ये डिजाइन लोगों को कुछ हाथों से बनाता है, कोई डिजाइन बनाता है ऐसे, ठीक है। तो ऐसे ऐसी चीज़ें आप ला के रखो। अब क्या आपके पास स्टेशनरी की आपकी दुकान है, आर्ट एंड क्राफ्ट का सामान जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। रंगोली होगी, आपको रंगोली होगी, ऐसी प्लेटी, अलग अलग और चीज़ें आती हैं, अपने हिसाब से आप ला के रखिए, बतरी वेरायटी आती है, ठीक है। जालियों में ले आइए, ऐसे ले आइए, अभी तो एक छन्नी जैसा डिब्बा आता है, उसमें रंगोली डालो, ऐसे ऐसे घुमाओ, उसमें अलग अलग डिजाइन बनते हैं। अच्छा, ये तो थी स्टेशनरी की आइटम, स्टेशनरी में रिलेटेड जो भी आइटम थी उसके संबंध में मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब उसके अलावा आप क्या करो, थोड़े बहुत पटाखे रख सकते हो अपनी दुकान पे, जैसे माचिस बम है, ये 20 रुपये सेल का, एक तो बच्चे इसके थ्रू आपकी दुकान पे आएंगे। तो अब मेरा क्या, मैंने पटाखे रखे हुए, मैं थोड़े थोड़े बेचता रहता हूँ, फिर क्या बच्चे और सामान ले आते हैं, उनके मम्मी पापा और सामान ले आते हैं, उस पर क्या मेरी सेल अच्छी हो जाती है, ठीक है। ये होता है ये माचिस बम, ये अच्छे बिकते हैं बच्चों के लिए, ज़्यादा बड़े पटाखे ना रखो, मैंने जबकि बम भी रखे हैं। ये आता है ये किट 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 कैट, हाँ ये क्या नाम है इसका,
किट कैट, ये बच्चों की जलाने की झिलमिल होती है देखने में बम्बई, ये 50 रुपये का सेल करता हूँ ठीक है। फिर सबसे स्पेशल आइटम बच्चों की सबसे फेमस आइटम पॉप पॉप, ये 10 रुपये का सेल होता है, ये दिन में पूरा डिब्बा निकल जाता है। एक तो इनकम अपनी हो रही, दुकान फेमस हो रही, इसके साथ दूसरा सामान भी बिक रहा, वह ना एक के साथ एक चैन बन रही है, हर सामान बिकता है। अब मेरे बराबर वाले मेरे को देख के पटाके रख लिए 3 बंदों ने, जबकि मैं अकेले बेच रहा है यहाँ पे, मेरे को देखा देख के काम करने लग गए लोग। तो ऐसे ही चीज़ें रोकेगा ना, कस्टमर अटैच होगा ऐसे ही चीज़ों से आपसे। अच्छा, बच्चे खुले खुले बम भी मांगते हैं, उसमें और ज़्यादा इनकम होती है, खुले खुले बम में वो दिन में एक एक बम करके ना पूरा डिब्बा खत्म कर देता है, जबकि पूरा डिब्बा दो वैसे नहीं लेंगे वो, एक एक बम करके पूरा डिब्बा ले जाएंगे वो। तो ऐसे ऐसे थोड़े बहुत पटाखे मैंने रखे हुए हैं तो बेचता रहता हूँ, इनकम भी अपनी अच्छी होती रहती है, इनमें भी इनकम अच्छी है। और अपनी से है कि आप नहीं रखोगे तो कस्टमर दूसरी दुकान पर जाएगा, वो आपका कस्टमर टूटेगा। ये चीज़ें आपको सब रखनी पड़ेंगी और ये चीज़ें सब काम भी आती है, कि लिमिटेड में ले आओ, कम ले आओ, लिमिट में ले आओ ठीक है। अगले आइटम एक और दिखा देता हूँ आपको, सबसे ज़रूरी आइटम यह है मेहंदी, ये भैया दूध पे भी चलेगी, अभी करवा चौथ पे मैंने बहुत बेची है और अब दिवाली पे भी चलेगी। इसमें दिखाता हूँ ये मेहंदी, ये कीप आती है मेहंदी की ये। अच्छा, इसमें क्या है, ये 10 रुपये की सेल होती है, एक तो इनकम अच्छी है, ऊपर से आपने ये मेहंदी लानी है, आपको दिखा दूँ, ये लानी है कावेरी नाम से, ये ध्यान रखना, ये कावेरी की मेहंदी लानी है और किसी कंपनी की मेहंदी नहीं लेनी। लोग नाम से मांगते हैं भैया कावेरी की मेहंदी दे दो, तो इनकम अच्छी होती है और दुकानदार बनता है इन चीज़ों से। फिर आती है एक मिर्ची वाली, अब ये मिर्ची वाली क्या है, ये खोल के दिखा देता हूँ आपको। अब ये है मिर्ची वाली मेहंदी, मिर्ची लिखा हुआ है, ये देखिए, इसे कहते हैं मिर्ची मेहंदी कोण। इसमें क्या है, ये वो वाली मेहंदी है जो लगाती है, हाथों में रच जाती है, कोई 10 की बेचता है, कोई 5 की बेचता है, मैं 5 की बेच देता हूँ, 10 की बेच देता हूँ, मतलब इसे हाथों में लगाओगे फटाफट जो मेहंदी रच जाती है ना वो ये वाली है, इसे कहते हैं मिर्ची कोण मेहंदी। और ये होती है जिसे टाइमिंग लगती है, कावेरी की मेहंदी सबसे ज़्यादा चलती है, वो कावेरी की मेहंदी चलती है, मतलब कावेरी के 5 डिब्बे खत्म होंगे तो इसका 1 डिब्बा खत्म होगा, ज़्यादा ये चलती है कावेरी की मेहंदी, लेकिन कोई कोई ये भी मांग लेता है। अच्छा, दिवाली के टाइम में जो चीज़ दिखेगी वो बिकेगी, या कोई भी सीज़न है, चीज़ तो दिखनी है तो ही बिकनी है, तो सब चीज़ें ना काउंटर पर लगा के रखें, चाहे आस पास लगा के रखें कि कस्टमर की नज़र पड़े, वैसे तो कस्टमर खुद ले जाएगा लेकिन ये चीज़ें लगानी जरूरी है। अब मेरे को देखा बच्चों ने, कह भैया इतना सस्ता बेच रहे हो रंगोली, क्योंकि ये रंगोलियाँ हर किसी को नहीं पता कहाँ से लाते, इसलिए आपके आस पास भी मिल जाएगी, ये वाला 40 का पैकेट, ये 60 का पैकेट, ये 80 का, जो मेरे रुपये बेच रहा हूँ, ये मैं 120 का बेचता हूँ, 140 का भी अपनी मर्जी से बेच देता हूँ ठीक है। बाकी ये 20 की सेल किया है, 14 की सेल किया है, 30 और 35 सेल किया है, तो इस तरह आपको काउंटर पे सामान ला के रखना है और बिकेगा ये आइटम में। तो दोस्तों, मैं आपको कमाई का साधन बताता रहता हूँ, कस्टमर को किस तरह बांधना है वो साधन बताता हूँ, कस्टमर किस तरह अपनी दुकान पे बुलाना है वो साधन आपको बताता रहता हूँ, कौन सी चीज़ चलेगी, कौन सी नहीं चलेगी, कौन सी चीज़ किस टाइम आपको दुकान पे रखनी है वो चीज़ें बताता हूँ, क्योंकि मैं प्रैक्टिकली अपनी दुकान पर इन चीज़ों को करता रहता हूँ और अपने ऊपर आजमाता रहता हूँ, कौन सी चीज़ चलनी है, कौन सी नहीं चलनी। आपको कैनवास बोर्ड बताएं, इस टाइम बहुत चलेंगे, आगे पीछे भी चलेंगे, हर दुकानदार नहीं रखता, लेकिन जब आपकी दुकान पे मिलेंगे तो कस्टमर सोचेगा यार इनकी दुकान पे अच्छी आइटम मिलती है, कैनवास बोर्ड हर कोई नहीं रखता, तो स्पेशल आइटम है। इसके साथ वो मिरर वगैरह बहुत आइटम लेके जाता है। देखो, एक चीज़ से हर आइटम बनती है। अब आप क्या है, अब आपने कैनवास नहीं रखे, जो आपको उसने आर्ट एंड क्राफ्ट का सामान लेना है वो नहीं बिकेगा, कस्टमर गया, कमाई खत्म, सेल खत्म, आप एंड कोई इनकम नहीं रहेगी, आपको सामान ऐड करना पड़ेगा। अब क्या होता है, कई बार दुकानदार क्या सोचता है, यार ये 200-300 का आइटम है, फालतू पड़ी रहेगी, बेकार पैसे जाएंगे, कभी ना सोचो, सोचो कि मैंने काम को कैसे बढ़ाना, आइटम को कभी ये ना सोचो चलेगी नहीं चलेगी, अपने सामान को लाओ, रखो, रखोगे तो बिकेगा, नहीं रखोगे तो नहीं बिकेगा, जो दिखेगा वो बिकेगा, जो नहीं दिखेगा वो बिल्कुल नहीं बिकेगा। मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुना करो, मैं बहुत जल्दी बोलता हूँ कि वीडियो को फटाफट बना सकूँ, आप तक पहुँचा सकूँ, क्योंकि टाइम नहीं होता ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है, सामान को कभी ये ना सोचो यार ये बिकेगा नहीं बिकेगा, यार ये रखूँ ना रखूँ, इस कन्फ्यूजन में अपनी दुकानदारी हमेशा ख़राब करोगे। आपको लग रहा है सामान बिकेगा, फटाफट ले लो, जितना माइंड में गलत सोचोगे उतना गलत काम होगा, अच्छा सोचोगे अच्छा काम होगा, ऊपर वाले का नाम लेके हर चीज़ को आराम से खरीदो, कम क्वांटिटी भी खरीदो, मतलब कहने का मतलब कम मात्रा में खरीदो लेकिन खरीदो, रखो दुकान में। मेरी दुकान में कई आइटम ऐसे जो एक एक पीस नहीं रखा, कई आइटम 10-10 पीस लें, कई 5-5, कोई 2-2, मुझे जो पता है कि जो चीज़ मेरी दुकान में बिकती है उस हिसाब से रखता हूँ, कभी कन्फ्यूज ना हो बिजनेस में। एक तो सबसे बड़ी बात है, सामान लाओ बेचो, अच्छा सोचोगे अच्छा काम होगा, गलत सोचोगे गलत काम होगा, अच्छे सोच के अपना सामान लेते रहो और जैसे जैसे मैं आपको बताता हूँ वैसे वैसे करते रहो, क्योंकि मैं आपके साथ पूरी तरह जुड़ा हूँ, पूरे दिल से आपके साथ जुड़ा हूँ, वीडियो बनाता हूँ तो आपके भले के लिए बनाता हूँ, आपको जो बताता हूँ आपके भले के लिए बताता हूँ। आप फिलहाल रंगोली ला के रखो, आर्ट एंड क्राफ्ट के आइटमें ला के रखो, कैनवास बोर्ड ला के रखो, थोड़े बहुत पटाखे ला के रखो, बच्चों के बम ना ला के रखो, बच्चों के पटाखे ला के रखो, ये ऐसा ही चीज़ें बहुत बिकेंगी, कमाई के साधन भी है, कस्टमर को अपनी दुकान पर बुलाने के साधन भी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस
इतना ही। मेरी वीडियो पसंद आए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करते तो जो मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ वो आप तक नहीं पहुँच पाएगी, आपको नहीं पता लगेगा। तो इसलिए लाल बटन दबा के मेरी वीडियो को, मेरे चैनल को थोड़ी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर कीजिए कि और भाई बहनों तक पहुँच पाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।